कई ऐसी सरकारें हैं, पश्चिम बंगाल की, राजस्थान की ऐसी कई सरकारें हैं जहां पे जो अल्पसंख्यक भाई हैं उनके इलाके में नालियां नहीं बनी, योजनाओं का लाभ उनको नहीं दिया जाता है, और उनको हमसे कहा जाता है कि हम बैरी हैं। हम किसी के बैरी नहीं, ये भारत सबका है, सबके सामूहिक प्रयास। बहुत अच्छी बात है, सबका साथ सबका विकास, और भारत सबका है और सब भारत के हैं। बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं आप। आपकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं संजीव निगम, क्या कहेंगे आज के इस जो उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, हालांकि कार्यकारिणी में उन्होंने साफ संकेत दिए थे, डायरेक्शन दिए थे कि मुसलमानों के खिलाफ बातचीत ना की जाए, उनके साथ स्नेह यात्राएं की जाए, उनके साथ बेहतर व्यवहार किया जाए, तमाम चीजें सामने आई। तो क्या आपको ये आज का जो पूरा कार्यक्रम है किस नजरिए की तरफ लेके जाता है? मैं आपको एक स्टोरी जरा बताना चाह रहा हूँ, एक बच्चे की स्टोरी है। पहले एक स्कूल में एक बच्चा रोते रोते अपने प्रधानाचार्य के पास पहुंचा कि साहब देखिए मेरी क्लास टीचर ने मुझे फेल कर दिया। अच्छा। प्रधानाचार्य ने कहा दिखाइए भाई क्या बात है, क्यों फेल हो गए? उसने दिखाया अपनी कॉपी वॉपी। प्रधानाचार्य ने देखा भाई आपने सारे सवालों का जवाब तो सही दिया है, मतलब सारे जवाब तो आपने सही लिखा है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं, कोई बात भी नहीं, फिर क्यों फेल कर दिया भाई? उन्होंने क्लास टीचर को बुलाया, बताया भाई इस बच्चे को क्यों फेल कर दिया है, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं है, सब कुछ सही लिखा है सारी चीजें। तो प्रिंसिपल उसने टीचर ने जवाब दिया है, उस बच्चे ने जो लिखा है वो तो ठीक है, लेकिन उस बच्चे ने उस किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया जो पर्चे में पूछा गया है, जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, बाकी लिखा है वो तो अच्छी बात है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूं जहां पर ये बात हो रही है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो संसद है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में आपकी सरकार है, आप बहुमत में है, लेकिन दूसरे लोग जो दूसरे सांसद हैं वो भी जनता ने ही चुन करके उनको भेजे हैं। अगर वो कोई किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई शंका है, संसद होती ही इसीलिए है संसद चर्चा करने के लिए। मतलब बड़ी शर्म और बड़ी मतलब उसकी बात हैरानी की बात है कि प्रधानमंत्री से वहां के सांसदों ने, दूसरे सभी भी बच्ची सांसदों ने, ज्यादातर जो है मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करता हूं, उनसे जो प्रश्न पूछा, जो उनको शंका थी, जो उनको समाप्त करना था, प्रधानमंत्री ने किसी भी प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया। अरे कम से कम थोड़ा सा उनको राहत बढ़ा, आप कम से कम आप आश्वासन देते कि नहीं हाँ भाई आज के कार्यक्रम पे क्या कहना है। संजीव जी आज के कार्यक्रम पे क्या कहना है? बिल्कुल आप हमसे पूछ रहे हैं आज के कार्यक्रम के बारे में, तो मैं क्यों इस तरीके की बातें कर रहा हूँ? जब देश सुनता है अपने जो है चौकीदार के माध्यम से बातें कि भाई हम टीवी में टकटकी निकाय लगा के लोग बैठे हुए हैं कि साहब वो जो प्रश्न चल रहा है उस पर जवाब ही नहीं, दूसरी ज्यादा, तो आप उसे इसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा तो लग रहा होगा कि मैंने सवाल ये किया और जवाब क्या दे रहे हैं। तो कुल मिल मैं समझ रहा हूं कि आप बार बार घूम फिर करके पार्लियामेंट में चलने वाले तमाम उन सवालों का जिक्र कर रहे हैं और उन बातों का जिक्र कर रहे हैं जिनका आपको सवाल का जवाब नहीं मिला। बहरहाल लेकिन मैंने मुद्दा आज का छेड़ा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्पसंख्यकों के प्रति जो नरमी दिखा रहे हैं, जो मेल मिलाप दिखा रहे हैं, जो आगे की चीजें बता रहे हैं, दिखाने के कुछ है अच्छा, और खाने के कुछ है अच्छा। मेरे कहने का सही मायने में विकास कैसे होगा भारत का, भारत के लोगों की आप बात नहीं सुनोगे। जो सबसे दो तीन दिन से जो एपिसोड चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर, आपने देखा पिछले तीन दिनों में, कल भी चला प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हुआ, परसों भी प्रधानमंत्री संबोधन का हुआ, और उसमें कहीं कोई बात नहीं, आदमी बिल्कुल चुन करके भेजा है वहां के लोगों ने, सारी आपके 100% सीटें तो नहीं आई है, जितने उनको जवाब तो दीजिए। आज जब मैं प्रश्न आपके सवाल का नहीं दे रहा हूं तो आपको कैसा फील हो रहा है एंकर महोदय? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं, सवाल के जवाब में सवाल नहीं। संजीव जी मैं ना तो गोल घर में हूँ, ना मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, मैं तो चौथा स्तंभ हूँ, और चौथा स्तंभ मुद्दों की बातें करता है, सियासी पार्टियों की बातें नहीं करता, और ना ही सियासी पार्टियों का नुमाइंदा होकर के बात करता है। बिल्कुल अच्छी बात कही, चौथे स्तंभ को बहुत ही सजग रहने की जरूरत।